स्टेशन की एक और खूबसूरत जगह, आ जाओ आपको हम पत्थरों पर लेके जाएंगे। ये बीच है, वो देखें क्या है, बोट वगैरह आ गया। ये रैंप बना हुआ है यहाँ से ना, ये रैंप से आप अपनी बोट नीचे उतार सकते हो ना। ये देख, कल मैं आपको एक और जगह पर लेके गया था, आज आपको इस खूबसूरत जगह पर लेकर आया हूँ मैं। और आई थिंक यहाँ से ही आ गया वहाँ का रास्ता। आयो नहीं, आई थिंक पत्थरों पे यहाँ से कहाँ से जाएगा, पत्थरों पे ये नहीं जाएगा, ये वो एंड पे जाएगा ना। चलो आगे से देखते हैं, ठीक है। बूटों में रेत गई तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन तो नहीं है ना। अगर तो बीच में थोड़ा सा इधर उधर होकर भी चल लेगा ना तो टेंशन नहीं है, सही है। ये लेक है, ये समुंदर नहीं है, मींस ओशियन नहीं है, पर ये लेक है। लेकिन इस लेक की ये देख ले तुम कि ऊपर वाले की कुदरत है कि लहरें भी बनती हैं यहाँ पर, और कितना साफ बीच है। आज आगे पत्थरों में लेकर चलूं, मैं अपनी ब्लॉगिंग के अंदर ना फुल उर्दू के वर्ड्स यूज करता हूँ, कभी मैं पुली यूज कर रहा हूँ। गुलाबी, हाँ, ये अब मैन मेड है या ये मैन मेड लगती है मुझे तो, हैं क्या बोलते हैं, मैन मेड है ये सारी, और ये थ्रू आउट पानी तक जाएगी यार, वो देखो। यही तो मजा है भाई, यहां से बीच में कुछ सुराख हो, बीच में ना गिरता हो कहीं। चल चल आगे चल, मेरा दिल ऐसी जगह पर आने का करता है, ये देख। इनमें से वो मेरी खड़ी हुई है, वो तेरी है। तो एक लाइन मेरी है। अच्छा, ये पानी का पाइप जा रहा है, लगता है वो लेक से ना पानी लेकर पी रहे हैं लोग। इतना रास्ता तय हो गया। अच्छा, आगे से देख रहा, दो रंग का पानी है, वहां से ब्लू है, यहाँ पर ग्रीन है, डार्क ब्लू है और ग्रीन कलर है। ऐसे बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर नीचे सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है। यहाँ से गिरे तो सिर्फ मुंह ही छिला जाएगा और कुछ नहीं होगा, बट इन्हों की कहते बगले। उर्दू में बगले कहते हैं ना, बगला। बगले ही है ना, सीगल्स। हवा भी बहुत प्यारी है, ठंडी ठंडी। खाई
ये पानी में पाँव नहीं रखना, बाकी ख्याल है। ये मुझे पाइप का सुराग दिखाना है कि पाइप किस चीज़ के लिए, लाइटरिंग का जा रहा या पानी के लिए, या ये जो अपना ये जो लगाया हुआ लाइट है, लाइट का पाइप आए चेक, ये पानी पुनी का नहीं है। फिर अच्छा ये शूज़ अच्छे मेरे सही रहे हैं। हाँ मुझे जिप लाइन के पे भी पड़ा है, थोड़ा वो इजी रहे हैं और इधर भी इजी हैं मेरे लिए, तेरे तो वो हैं ही। हाँ ये देख लिया, ये गलत काम हो गया। चलो आखिर में तो आ गए, एंड तो पहुंच ही गया हमारा। सारे बेचारे बगले बेचारे भगा दिए हम लोगों ने यहाँ से। बिल्कुल एज पे आ गए, वहां से चलते हुए आए। नो वेक हार्बर पहाड़ी के ऊपर, किली पे नीचे तक जाना चलेगा, नीचे तक मैं तो चला चलूंगा। हैं हाँ शूज उतारने, शूज उतार दे, शूज उतार दे, लेकिन नहीं यार शूज पहन के जाना पड़ेगा भाई। ये किल्ली के ऊपर कह रहा है जाकर बैठ जाऊँ। अच्छा मेरे ख्याल से हमारे अलावा किसी ने पंगा नहीं लिया यहाँ पर आने का। कोई आया होगा सिर्फ ये बल्ब चेंज करने के लिए। ये बेसिकली एक किस्म का लाइट हाउस है ना ये, कि अगर कोई बोट आती है ना तो बोट को यहाँ से ये पता लग जाए कि ये यहाँ पर कोई एज है या कुछ भी। अच्छा एक बात बताऊँ, ये हम लोग इस टाइम तो है एलोना के साइड पे हैं, लेकिन उससे जो थोड़ा सा आगे है ना जहाँ से ब्लू पानी है वो विस्कॉन्सिन का है, तो ये इनका बॉर्डर बना हुआ है यहाँ पर। ये चीज़ होना मज़ा फिर है, क्या कहता है उतार रही है, नीचे जाने का प्रोग्राम बन गया है। देखते हैं बिस्मिल्लाह। हाँ मेरे खुदाया नीचे उतरना मुश्किल है, पूरे पाँव हो रहे हैं, देखते हैं उतरते हैं। खैर मैं नीचे तक जाकर आपको वीडियो में दिखाता हूँ बाकी। टाइटैनिक याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब ये बता बस। ठंडा है वो तो टाइटैनिक है, तो बहुत ठंडा पानी था भाई। बंदा घर वालों से लड़ के आकर बैठ जाए, अगर घर वाले थोड़ा सा कोई करे ना खिड़पेड़, थोड़ी सी खिड़पेड़ करे यहाँ से बस बंदा जंप पानी में। ठीक है जी सही है, आपने नहीं मुझे रखना तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा पानी बहुत क्लियर है यार, सेम मेरा तो मुंह धोने को दिल कर रहा है। हाँ बंदा पानी साफ है इसका, नहीं ये देख ले पत्थर नीचे नजर आ रहा है पानी। हाँ वो चाहिए था हमें। हाँ पिछले तो मारेगा लेकिन मुंह धो रहे मजा आया। इसके ऊपर ये इसके ऊपर खड़े होना ना ये वो थोड़ा सा है रिस्की है, क्योंकि ये स्लिपरी है सारा पत्थर, जिधर तक हम लोग ये रिस्की नहीं है।
ये आई फिट मजा आ गया यार, मार ले पता लगा बाद में मिले ये ना कहीं यार जैक की तरह तो ये भी बाद में ढूंढना पड़ जाए। ऑल द वे पहाड़ों से होकर नीचे उतरे पानी में, दिमाग को ठंडक पहुंचाता है ये पानी। घंटे गिली हो रही है। हाँ हाँ चलें जी इसके साथ ही, और आपको दिखाते हैं आगे क्या कहाँ जाते हैं हम लोग आगे।